कक्षा 11 में कुछ प्रमुख सूत्र है उसको ध्यान से देखिए। अभी हम सबका डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है, और जो एक जैसे हैं उनको आप लोग कर लेना, बाकी हम बता देंगे। इसे देखिए, cos 2x बराबर है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x। साइन 2x का 2 sin x cos x बराबर 2 tan x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x होगा। यहाँ पे टेन 2x होगा 2 tan x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर x। साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin 3x। cos 3x का 4 cos 3x माइनस 3 cos 6। tan 3x का 3 tan x माइनस 10 3x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई का होता है 2 cos x cos y। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई का होता है माइनस 2 sin x cos sin y। sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई बराबर 2 sin x cos y। sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई होता है 2 cos x sin y। इसी तरीके से cos c प्लस डी का यह सब सूत्र है। तो यहां देखिए 11 से लेकर 14 में हम एक सूत्र सिद्ध कराएंगे, बाकी आप लोग कर लेना। और ये 7 से लेकर 10 में हम एक को करा देंगे, बाकी आप सब कर लेना, ठीक। इसमें जो है हम बता दे रहे हैं cos 2x का, sin 2x का, tan 2x का और sin 3x का सबका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसमें हम पहला भाग लेते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। और इसमें और एक है, इसमें और एक है, क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर। एक बात इसमें और ध्यान देना, यहाँ 2x है तो यहाँ पे एक x आ रहा है, ठीक। यहाँ पे एक x रहेगा तो यहाँ पर आधा बाई टू, आधा इसका भी होगा बाई टू, यहाँ पर भी आधा होगा, यहाँ पर भी आधा, सब पे आधा होगा, ठीक। चलो हम लोग कर रहे हैं पहला प्रूफ। हम लोग कहां से लेंगे, cos x प्लस वाई जो हम लोग सूत्र जानते थे यहां से लेंगे। हम जानते हैं कि cos x प्लस वाई बराबर होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर x लेंगे, y बराबर x, तो हो जाएगा cos x प्लस एक्स बराबर cos x cos x sin x sin x, हो जाएगा cos 2x बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। देखो पहला वाला भाग आ गया, ठीक, ये दूसरा पहला, इसको पहला कहेंगे, चलिए पहला को चाहे दूसरा, ये दूसरा वाला आ गया, पहला से दूसरा आ गया। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको करते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फिर साइन स्क्वायर एक्स, कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए तीसरा वाला दिया गया है यहाँ पे, 1 माइनस 2 इसको करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, कितना हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारा हो गया चौथा वाला, कौन हो गया चौथा वाला हो गया। अब बचा है पांचवा के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, पांचवा के लिए हमें थोड़ा यहां से आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पांचवा के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x,
होता है, इसके नीचे एक लिख लेंगे, फिर कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक के नीचे लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अनुसार में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, यहाँ लिख देते हैं अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, भाग देंगे कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, अंश में भाग गया नीचे, कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, क्या करना है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक, काट की एक्स बराबर एक हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, हम देखते हैं इससे या आ गया या आ गया या आ गया, सभी हो गए, तो पहला सूत्र प्रूफ हो गया, ठीक। इसको प्रूफ करना है, हम लोग इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि साइन टी एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसके नीचे एक लिख लेंगे हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक के स्थान पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा हम लोग पहले साइन टी एक्स को ही लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, हम लोग क्या करेंगे वाई बराबर एक्स लेने को, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, साइन टू एक्स बराबर हो जाएगा एक साइन एक्स कॉस एक्स एक साइन एक्स कॉस एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो आ गया। अब देखो इससे ए लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब साइन टू एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे एक ही स्थान लिखेंगे, एक ही स्थान क्या लिखेंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स से अंश में भाग दे दो, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देने पर, भाग दे दो, भाग दे देंगे क्या हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, कितना होगा कॉस से कॉस खत्म टू साइन एक्स, साइन बटे कॉस से टेन टू टेन एक्स, और नीचे ये कट गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी हो गया, साइन टू एक्स से हम लोग देखते हैं साइन टू से भी आ गया और साइन टू एक्स से कौन आ गया टू टेन एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी देखते हैं आप दो एक्स है यहाँ पे एक एक्स लिखा है और यहाँ पे दो एक्स है यहाँ पे एक्स यहाँ एक एक्स होगा तो यहाँ आधा, समझ आया, हाँ इसको भी देखो हम लोग कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स, ये वाला सिद्ध कर चुके हैं, नीचे वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, तो हम लोग क्या करेंगे वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स, तो वाई बराबर एक्स लेंगे कितना हो जाएगा ऐसे टेन एक्स प्लस टेन एक्स नीचे वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, कितना हो जाएगा टेन टू एक्स बराबर टू टेन एक्स नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला,
हाँ देखो साइन थ्री एक्स बराबर थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन थ्री एक्स, इसको प्रूव करना चाहिए कैसे होगा ध्यान रखिए, साइन थ्री एक्स के बराबर लिखेंगे साइन टू एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र लगाएंगे, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है साइन एक्स कास वाई, वाई के स्थान पे एक्स, प्लस कास एक्स साइन वाई, ठीक साइन टू एक्स का सूत्र लिखिए फिर से, अभी हम लोग किए टू साइन एक्स कास एक्स टू कास एक्स प्लस कास टू एक्स का, देखिए हमें सब साइन में लाना है, कास टू एक्स का ढेर सारा सूत्र होता है, हम क्या करेंगे साइन का लगाएंगे इसमें, होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, अब क्या करेंगे टू साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यू एक्स, कितना हो गया टू साइन एक्स वन माइनस कार वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ दिए कास स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यू एक्स, कितना हो गया टू साइन एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर क्यू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टू साइन क्यू एक्स, कितना हो गया दो एक तीन साइन एक्स माइनस चार साइन क्यू एक्स, साइन थ्री एक्स थ्री साइन एक्स माइनस चार साइन क्यू एक्स लिखा गया, इसलिए साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस चार साइन क्यू एक्स, यहाँ थ्री एक्स है तो यहाँ पे एक एक ठो है, यहाँ पे छठ होगा तो यहाँ दू होगा, थ्री एक्स बराबर फोर कास क्यूस माइनस थ्री कास एक्स, इसको देखिए कैसे होगा कास थ्री एक्स होगा कास टू एक्स प्लस एक्स, कास टू एक्स कास एक्स कास एक्स प्लस वाई कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक्स के स्थान टू एक्स और वाई के स्थान एक्स लिखेंगे, कास टू एक्स का सूत्र लगाइए ऐसा ही कास आए, इसको कास में लगाएंगे टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू कास एक्स माइनस साइन टू एक्स का होता है टू साइन एक्स कास एक्स इंटू साइन एक्स, क्या होगा इसका गुणा कर दीजिए टू कास क्यू एक्स माइनस कास एक्स माइनस टू कास एक्स, ऐसे कर लीजिए इसका इसका गुणा कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, फिर कितना होगा टू कास क्यू एक्स माइनस कास एक्स माइनस टू कास एक्स, सब कास से मिलाना है इसलिए साइन भी तोड़ेंगे वन माइनस कास स्क्वायर एक्स, अब क्या करेंगे टू कास क्यू एक्स माइनस कास एक्स माइनस टू कास एक्स प्लस टू कास क्यू एक्स, अब क्या होगा दो दो चार कास क्यू एक्स माइनस थ्री कास एक्स, ये हो गया आर एच एस, क्या हो गया आर एच एस, छठा सूत्र है टेन थ्री एक्स प्लस थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यू एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, इसका होगा टेन थ्री एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे टेन टू एक्स प्लस एक्स, टेन एक्स प्लस वाई सूत्र लगाएंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक टेन टू एक्स क्या हो गया टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ना प्लस टेन एक्स, नीचे वन माइनस टेन टू एक्स का होता है टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए बराबर बराबर टाई वाला हो गया, इसका एलसीएम लेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का, इसमें एक भाग देंगे एक एक में एक पूरा करेंगे कितना होगा टू टेन एक्स प्लस इसमें एक का भाग देंगे यही बचेगा इसका ऊपर पूरा करेंगे तो जाएगा
टेन एक्स इसका इसमें क्या करिए, टेन एक्स इसका टेन एक्स माइनस टेन की एक्स, ठीक। यहाँ देखिए ये तो बुरा है, कम है, यहाँ एक बटा एक कर लीजिए, इसका भी लस लीजिए, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसमें इसका भाग देंगे यही बचेगा, ऊपर बुरा कर देंगे हो जाएगा, ठीक। माइनस इसमें इसका भाग देंगे एक आएगा, एक में ऊपर बुरा कर दूंगे, टू टेन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हो जाए दो एक तीन टेन एक्स माइनस टेन की एक्स, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस यहां हो जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो बाहर बाहर करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, हम एक काट देते हैं, ये ऊपर जाएगा इससे इससे कट जाएगा, यहां से बचेगा का थ्री टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स, नीचे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन थ्री एक्स का ये हो गया, बड़ा आर एच एस। हाँ देखिए सतवां आठवां नौवां दसवां ये चारों में से हम एक को बता दे रहे हैं, बाकी सब अपने से कर लीजिएगा, ठीक। तो सतवां ही बता दे रहे हैं, सतवां क्या है, एल एच एस लेंगे सतवां का, सतवां का ले रहे हैं, सतवां का ले रहे हैं ना, सतवां का हम लगा देंगे, बाकी सब उसी आधार से सब कर लेना। कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई, कास एक्स प्लस वाई का सूत्र हम लोग जानते हैं, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कास एक्स माइनस वाई का सूत्र होता है कास ए कास बी प्लस, प्लस में माइनस होता है, माइनस में प्लस, प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा टू कास एक्स कास वाई, ये आंसर हो गया, बड़ा इससे प्रूफ हो गया, ठीक। अब अठवां सतवां अठवां नौवां और दसवां ये सब आपको, अठवां नौवां दसवां आप लोग इसी तरीके से कर लेना। हाँ देखिए ध्यान से, 11, 12, 13, 14, ठीक, 11, 12, 13, 14 में से 11 वाला मैं कर दे रहा हूँ, तुम लोग 12, 13, 14, ठीक है, उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो हम लोग इसको कैसे करते हैं प्रूफ, हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग ये सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि कास सी प्लस कास डी है, तो कास एक्स प्लस वाई और कास एक्स माइनस वाई वाला सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, कास एक्स प्लस वाई कास एक्स माइनस वाई, ऐसे ही कास सी माइनस कास डी होगा तो कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन माइनस कास एक्स माइनस वाई वाला लिखेंगे, ठीक, और साइन का होगा तो साइन का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई बराबर होता है टू कास एक्स कास वाई होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी में, या आप थोड़ा सा मानेंगे इसको संकीर्ण एक मान लेते हैं, माना एक्स प्लस वाई बराबर सी, एक्स माइनस वाई बराबर डी, एक्स प्लस वाई को सी मान लिए, एक्स माइनस वाई को डी मान लिए, ये कैंसिल, टू एक्स बराबर सी प्लस डी, एक्स सी में डी जोड़ेंगे सी प्लस डी, एक्स बराबर सी प्लस डी अपान समीकरण एक में एक्स बराबर सी प्लस डी अपान टू रखने पर समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर सी, एक्स के स्थान में सी प्लस डी बाई टू प्लस वाई बराबर सी, वाई बराबर जाएगा सी माइनस सी प्लस डी बाई टू, तो टू सी माइनस डी बाई टू कितना हो गया सी माइनस डी बाई टू, ठीक। तो हम समीकरण एक में सभी मानव लिख दो, समीकरण एक से समीकरण एक डाल दीजिए, कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई टू कास एक्स कास वाई, हम लोग क्या करेंगे एक्स प्लस वाई के स्थान क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई के स्थान पर सी कास सी, और एक्स माइनस वाई के स्थान क्या लिखेंगे डी कास डी बराबर टू कास, अब एक्स के स्थान क्या रखेंगे, एक्स का मान कितना है सी प्लस डी बाई टू, कास वाई के स्थान क्या रखेंगे
सी माइनस डी वाई, ये हमारा फूफू है। इसी तरीके से हम लोग आगे का जो है, इसी तरीके से हम लोग कास सी माइनस कास डी का भी कर लेंगे, मतलब वो सब सूत्र उतार के सी प्लस डी की जगह एक्स रखना और सी माइनस डी की जगह एक्स प्लस वाई की जगह सी रखना, एक्स माइनस वाई की जगह डी रखना, एक्स के स्थान पे सी प्लस डी बाई टू और वाई के स्थान पे हमें रखना है सी माइनस डी बाई टू, ये सब रख देंगे हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये सब पूरा सूत्र है।